नमस्कार दोस्तों, मैं सब सिंह, आप देख रहे हैं PNS न्यूज़। अब नहीं कर पाएंगे 50 रुपये से कम UPI ट्रांजेक्शन। जल्द बदलने जा रहे हैं नियम। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस चैनल पर 50 रुपये के अंदर किए जाने वाले सभी गेमिंग ट्रांजेक्शन पर स्थायी रूप से बैन लगा सकता है। कई सोर्सेज के अनुसार नया नियम इस सप्ताह के अंत में लागू होगा। ये कदम UPI ट्रांजेक्शन की मात्रा को कम करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि हाल ही में ट्रांजेक्शन की संख्या में उछाल आया है। इसकी बड़ी वजह कोरोना महामारी के मध्य डिजिटल ट्रांजेक्शन में वृद्धि, बैंकिंग रुकावट और तकनीकी मुद्दों में वृद्धि होना है। NPCI ने हाल के सप्ताहों में गेमिंग मर्चेंट्स के लो टिकट ट्रांजेक्शन में भारी वृद्धि देखी है। IPL मैच के दौरान ये लेन देन और भी अधिक बढ़ गया है, जिससे NPCI और सदस्य बैंक को चिंता हुई कि लेन देन की मात्रा बढ़ जाने से सिस्टम अपडेट की समस्या न आ सके। रियल मनी गेमिंग के लिए बढ़ेगी मुसीबत। एक सहज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए NPCI चाहता है कि ग्राहक और व्यापारी एक सोर्स के अनुसार UPI के बजाय नेट बैंकिंग जैसे स्थायी निर्देशों वाले पेमेंट मेथड का उपयोग करें। सोर्स ने यह भी कहा कि यह नजरिया रियल मनी गेमिंग के लिए मुसीबत ला सकता है, जो कि माइक्रो ट्रांसपोर्ट पर आधारित है। मासिक सब्सक्रिप्शन का पेमेंट करने के बजाय गेम खेलने वाले पेमेंट करते हैं। इसका मतलब यह है कि अधिकांश ट्रांजेक्शन 100 रुपये से कम के हैं। भविष्य में कम होगा UPI का इस्तेमाल। गेमिंग इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के अनुसार भविष्य में UPI का उपयोग अक्सर कम किया जाएगा। इंडस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार NPCI कई हफ्तों से इस तरह के प्रतिबंध पर विचार कर रहा था और मुख्य व्यापारियों के साथ निकट संपर्क में था। दूसरी ओर गेमिंग इंडस्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे ट्रांजेक्शन पर प्रतिबंध लगाने के लिए NPCI का कदम बैंकिंग इंडस्ट्री तनाव से प्रभावित है, क्योंकि बैंकों के पास मर्चेंट डिस्काउंट रेट के बिना अतिरिक्त भार वहन करने का कोई कारण नहीं है।